गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ईडी करंट। तो इसमें हम आप आइए देखते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ ईडी करंट कि कैसे ईडी करंट को मिनिमाइज किया जाएगा, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाया गया कि मिनिमाइजेशन ऑफ ईडी करंट कि कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो हम पता है कि करंट आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो अगर हम अरेंजमेंट में प्लेट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कैसे करेंगे, इसका स्लॉटिंग एक अरेंजमेंट होता है जिसको कहते हैं स्लॉटिंग। तो इस तरह से अगर हम कटिंग कर दें यहाँ पे जो दिखाया गया है तो क्या होगा, इसका पाथ इंक्रीज हो जाएगा, लॉन्ग रेंज कवर करना पड़ेगा करंट को, जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और ईडी करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक देखेंगे किसी मेटल प्लेट का स्लॉटिंग करके हम ईडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक दूसरा पार्ट और क्या है, कैसे कर सकते, बाई लैमिनेटिंग दी कोर ऑफ मेटल। इस जो प्लेट लिए हैं इसका फिर क्या करें, लैमिनेशन कर दें, एक पर्टिकुलर मटेरियल से लैमिनेशन किया जाता है जिससे अगेन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से, क्योंकि लैमिनेशन करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, प्लेट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट अगेन क्या होगी, इसमें डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह दो मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ईडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहला हमारा ये नोट करें, बाय स्लॉटिंग ऑफ कंडक्टर, इसमें वही कटिंग का अरेंजमेंट है, बाय लैमिनेटिंग द कोर ऑफ मेटल, तो ये हमने देखा यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ ईडी करंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जब ईडी करंट इस अरेंजमेंट से मिनिमाइज हो गया है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है उस पर डैम्पिंग इफेक्ट क्या होगा, पहले के रिस्पेक्ट में डैम्पिंग फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया इस इंक्रीज में तो करंट क्या होगी, ईडी करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो ईडी करंट डिक्रीज होने से क्या होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फोर्स का जो हम वेक्टर फॉर्म में फार्मूला जानते हैं आई एल क्रॉस आर बी, तो वहाँ से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो जो हमारा फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो क्या है, कम डैम्पिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी फोर्स क्या है, पहले के रिस्पेक्ट में, इसके पहले जो फिगर था उसके रिस्पेक्ट में फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो ये भी कम डैम्पिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब कह सकते हैं कि सेकेंड केस में पहले केस के रिस्पेक्ट में ये मेटल का प्लेट फ्रीली मूव करेगा, मतलब कम डैम्पिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, जिससे कि कह सकते हैं ये पहले के रिस्पेक्ट में और फ्रीली मूव कर सकेगा। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि डैम्पिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट आया अगर हम ईडी करंट को मिनिमाइज कर दें। तो ये यहाँ पे हमारा ईडी करंट का डायरेक्शन इस वाले प्लेट पे दिखाया गया है जिसको हम समझ सकते हैं। अब आइए इस पर देखते हैं कि मिनिमाइजेशन जब हमने देख लिया इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ ईडी करंट, इसको हम नोट करते जाएंगे। तो पहला हमारा एक है मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन, मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन, मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन। जैसे भी हम देख रहे हैं किसी मेटल प्लेट को क्या है, ईडी करंट जनरेट करके क्या है, रोक दिया जाता है, डैम्पिंग क्रिएट किया जाता है, तो उसी तरह उस इफेक्ट का यूज करके मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन का भी यूज किया जाता है ट्रेन को रोकने के लिए, तो उसी अरेंजमेंट का यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। के बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है एडवांटेज में क्या, इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस में किया जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस क्या करते हैं कि एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर देते हैं किसी सॉलिड के अरेंजमेंट में और उसमें उस मेटल पीस को रख देते हैं जिसको मेल्ट करना होता है। तो हाई अल्टरनेट ईडी करंट प्रोड्यूस होने से उस मेटल में वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है मेटल, तो इसीलिए इसका यूज कहाँ पे होता है, ईडी करंट का इंडक्शन फर्नेस में होता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर जैसे हम क्या है कि देखते हैं कि कितना बिजली का यूनिट गिर रहा है, कितना बिजली का यूनिट आ रहा है, तो इस समय हमारे पास डिजिटल है। इससे पहले हमारे पास क्या था, एनालॉग टाइप का था जिसमें एक मेटल डिस्क होता था जिसमें ईडी करंट जनरेट होती थी और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता था कि क्या वैल्यू है।
उसके बाद जो फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में इसका क्या है यूज किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इसका यूज कहाँ है कि जो गैल्वेनोमीटर का क्वायल होता है उसमें जो पॉइंटर होगा वो ईडी करंट जनरेट होने से क्या होता है सडनली वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे रुक जाता है, नहीं तो होता क्या वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हमारा इसके इफेक्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग से क्या होता है ईडी करंट जनरेट होती है जिससे वो तेजी से उसको क्या करती है उसके पॉइंटर को नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे रोक देती है। तो इसका अभी यहाँ पे क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारा ईडी करंट का यूज किया जाता है। तो ये ओवरऑल हो गया किसके बारे में ईडी करंट के बारे में। अब नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा पास इंडक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टेंस। तो जैसे हम पढ़े इंडक्टेंस को समझने के लिए जैसे हम जानते हैं कि ये क्या है जिसे रेजिस्टर का सिंबल है और रेजिस्टर के द्वारा क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। रेजिस्टर क्या करता है रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसी सर्किट में करंट पे। उसी तरह से हम जानते हैं कि ये अरेंजमेंट हमारा होता है कैपेसिटर, तो इसको क्या कहते हैं कैपेसिटर। और ये क्या ऑफर करता है सर्किट में कैपेसिटेंस, क्या फर्क करता है कैपेसिटेंस। उसी तरह से अगर हम एक ये सोलिनाइड टाइप का ये अरेंजमेंट बनाएं तो इसको इस अरेंजमेंट को कहा जाता है इंडक्टर, क्या कहा जाता है इंडक्टर। और इसके द्वारा जो सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको कहते हैं इंडक्टेंस। ये हमारा टॉपिक है इंडक्टेंस। तो सेम जैसे हम पढ़ें कि रेजिस्टेंस डिनोटेड बाई आर, कैपेसिटेंस डिनोटेड बाई सी, इंडक्टेंस डिनोटेड बाई के, सेम उसी तरह ये इंडक्टेंस है जैसे हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ा था। जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कुछ पर्टिकुलर फैक्टर डिपेंड करते हैं उसी तरह हमारा ये इंडक्टेंस भी क्या है कुछ पर्टिकुलर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसी इंडक्टर के बारे में यहाँ इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इसको समझने के लिए हम जानते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन ए क्वायल बाई फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई अनदर क्वायल आर फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई सेम क्वायल। इसके लिए हम एक फिगर का अरेंजमेंट बना रहे समझने के लिए कि मान लिया हमारे पास एक क्वायल है और ये हमारे पास एक दूसरा क्वायल है, दो क्वायल लेंगे यहाँ पे। ये यहाँ से करंट का अरेंजमेंट देखिए इसमें क्या होगी करंट फ्लो करेगी। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट क्वायल और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड क्वायल। तो अगर हम जानते हैं फर्स्ट क्वायल में क्या है करंट प्रोड्यूस करें इसका फ्लक्स जनरेट होगा फील्ड बनेगा और वो सेकेंड क्वायल से लिंक करेगा दिस फ्लक्स फाई। तो इस फ्लक्स जब इस सेकेंड क्वायल से पास होगा तो क्या होगा इसमें भी एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा यहाँ पे एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो यहाँ लिखा गया कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन ए क्वायल बाई फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई अनदर क्वायल। यहाँ जो करंट जनरेट हो रही किसी दूसरे क्वायल के फ्लक्स चेंज होने से जनरेट हो सकती है या फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई द सेम क्वायल, या तो इसी क्वायल में जो फ्लक्स चेंज कर रहे हैं चूंकि उसका भी फ्लक्स इससे पास होगा तो इसी क्वायल में जो फ्लक्स चेंज होगा इसके नाते भी इसमें एक करंट जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दो तरह से किसी क्वायल में करंट जनरेशन किया जा सकता है। तो एक पेयर ऑफ क्वायल लिया गया है तो सेकेंड क्वायल में करंट कैसे जनरेट होगा बाई फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई द फर्स्ट क्वायल आर बाई फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई द सेम क्वायल। इसके अकॉर्डिंग हम इंडक्टेंस का नाम म्यूचुअल और सेल्फ रखते हैं। जब पेयर ऑफ क्वायल लिया जाएगा तो इंडक्टेंस को म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देंगे और जब एक सिंगल क्वायल लिया जाएगा तो इंडक्टेंस को हम सेल्फ इंडक्टेंस कह देंगे। तो इसके बाद हमारा क्या है पेयर ऑफ क्वाइल में हमने देख लिया कब म्यूचुअल होगा और कब सेल्फ होगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स अगर माने यन फाई तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ जो फर्स्ट क्वाइल में हमारा सेकेंड क्वाइल से जो फ्लक्स पास हो रहा फाई है अगर नंबर ऑफ टर्न यन है तो टोटल फ्लक्स यन फाई हो जाएगा और वो किस पे डिपेंड करेगा पहले वाले कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है। तो
तो यही हम लिख सकते हैं कि यार एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो दिस इंप्लाई एन फाई इक्वल टू के आई, वेयर के क्या लिया है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसी को हम इंडक्टेंस कहते हैं पैरा कॉइल के अरेंजमेंट में। हियर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज इंडक्टेंस, नोन एज इंडक्टेंस, इसी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड ऑन, जैसे आर और सी डिपेंड करते हैं उसी तरह ये भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज मतलब ज्योमेट्री किस तरह, जैसे इंडक्टर कॉइल है तो उसका ज्योमेट्री क्या है, और या उस इंडक्टर कॉइल के अंदर किस टाइप का मटेरियल भरा गया है, तो उस मटेरियल पर ये डिपेंड करता है। तो इस तरह हमारा हो गया एन फाई इक्वल टू के आई, के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। अब यही हमारा जो के है क्या होता है, दो तरह का होता है, जब हम एक पेयर ऑफ कॉइल लेंगे तो के को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देंगे और एम से डिनोट करेंगे, और जब हम एक सिंगल कॉइल लेंगे तो के को सेल्फ इंडक्टेंस कह देंगे और यल से डिनोट कर देंगे। तो इसके बाद हमें पढ़ना रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। तो यही हमारा के एक बार क्या होगा, एम सिंबल से डिनोट किया जाएगा जब हम एक पेयर ऑफ कॉइल लेंगे, और यही के हमारा यल सिंबल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस से डिनोट किया जाएगा जब हम एक सिंगल कॉइल लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।